होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान। आप लोगों को अपने देश का ख्याल होना चाहिए। शक्तिमान शक्तिमान इसलिए है कि वो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। शूटिंग कर मोटी बातें कहीं, जैसे मैंने बॉडी स्टेम्पल किया था, शरीर मंदिर है, ये सारे पॉजिटिव मैसेजेस अगर कोई दे सकता है तो वो शक्तिमान है। सोनी इंटरनेशनल इज इन्वॉल्व इन इट, ऑफकोर्स विद विश्व इंटरनेशनल एंड हमारे एसोसिएशन में, और हम बनाने जा रहे हैं शक्तिमान के सोल को सेम रखकर। ये हमने एग्रीमेंट में लिखाया है कि शक्तिमान के बेसिक, इसीलिए मैं शक्तिमान किसी को देना नहीं चाहता। मेरे पास इससे भी 3 साल पहले ऑफर आया था, सर शक्तिमान के राइट्स हमको दे दीजिए, बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस। मैंने कहा आपको दूंगा नहीं, आपको मेरे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, हट गए पीछे। मैं चाहता हूँ कि आप इसको डिस्को ड्रामा मत बना लीजिए, इसे मूल्यों पर रखिए। भगवान ने मेरी बात रखी, 3 साल के बाद में जाकर सोनी इंटरनेशनल जी बड़ी एंथुजियास्टिकली हमारे साथ मिले। मेरी 3 मीटिंगें हुई, दे वर वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी गुड कि शक्तिमान तो बहुत बड़ा ब्रांड है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि सोनी ने अपना इसके ऊपर पूरा विश्वास जताया है, और मुझे खुशी है कि मुझे अल्टीमेटली इसको कहते हैं कि क्या कहते हैं उसका, देर आए दूर से एक और भी इंतजार का फल मीठा होता है। तो फाइनली मुकेश खन्ना जी ने सामने आके ये बोल दिया है कि उन्होंने रणवीर सिंह को कास्ट नहीं किया है। उन्होंने सीधे अपने चैनल पे आके वीडियो में ये बोल दिया है कि अफवाहों पर विश्वास मत करिए, मैं शक्तिमान की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। और इससे फाइनली हम जैसे बहुत सारे शक्तिमान के फैन को ये राहत मिली है, जिनको ये लग रहा था कि शक्तिमान को ये रणवीर सिंह को लेकर बर्बाद कर देंगे। जब से कुछ यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि रणवीर सिंह को शक्तिमान के रोल में फाइनल कर लिया है, तभी से ही मुकेश खन्ना जी के कमेंट्स में भर भर के लोग ये पूछ रहे थे कि आपने रणवीर सिंह को क्यों लिया, उसको मत लो। इसके ऊपर मुकेश खन्ना जी कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन फाइनली जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तो उन्होंने कुछ ही समय पहले अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मैंने रणवीर सिंह को कास्ट नहीं किया है और आप लोग अफवाहों पे बिलीव करना छोड़ दीजिए, जिनमें उन्होंने अपने पुराने कुछ इंटरव्यू की क्लिप को चला के दिखाया है कि शक्तिमान में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और उसमें अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने वो चीज़ दिखाने के लिए मेरी ही वीडियो का इस्तेमाल किया है। आपको पता होगा इससे पिछले से पिछले वीडियो मैंने इसी टॉपिक पे डाली थी, जहाँ पे आपने देखा होगा कि सारे एक तरफ थे जो बोल रहे थे कि रणवीर सिंह को कास्ट कर लिया गया है, और मैंने उनके खिलाफ ये वीडियो बनाई थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुकेश खन्ना जी ऐसे करेक्टर नहीं ले सकते जो शक्तिमान के रोल में फिट ही ना हो। और उस वीडियो का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने चैनल से बाकी और लोगों को बताया है कि देखिए हम शक्तिमान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, जो कि मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपनी वीडियोस में उन लोगों के कमेंट को भी हाईलाइट किया है जिन्होंने बताया है कि क्यों रणवीर सिंह शक्तिमान के रोल के लिए परफेक्ट नहीं है, और ये सब को हाईलाइट करके आखिरी में उन्होंने ये कहा है कि अब इसके अलावा और कुछ कहने को बच गया है क्या। लेकिन खैर, उम्मीद है आपको इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा कि रणवीर सिंह शक्तिमान के रोल में नहीं आएंगे। और गहराई से जानने के लिए मेरे इंटरव्यू वाला वीडियो देखिए, और उस चीज़ को और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए, जहाँ पे मैंने बताया है कि क्यों रणवीर सिंह शक्तिमान के रोल नहीं कर सकते। मुझे बताइए ये खबर जान के आपको राहत मिली या आपको दुख हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।